Hi to everyone and here, most importantly, welcome to the platform of Tridha Legal, start that to be concerned with GST and taxation. So guys, a very special drive is going to be taken by the GSTN department in respect with aapke fake GST registrations and fake invoicing ko consider karte hue. So ये जो जीएसटी के अंदर फेक जीएसटी नंबर्स और फेक इनवॉइसिंग का प्रोस्पेक्ट चल रहा है, इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव जीएसटी डिपार्टमेंट लॉन्च कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पीरियड ऑफ अराउंड 2 months. ये ड्राइव स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 16th May 2023 एंड होपफुली इट्स गोइंग टू बी एंडेड अप टिल 15th July 2023. डेट बिल्कुल स्पेसिफाई हो गई है बाय द जीएसटीआईएन डिपार्टमेंट. अब यहां पे डिपार्टमेंट कंसिडर करने वाला है कि ये जो आपने गलत तरीके से जीएसटीआईएन लिया हुआ है या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में अगर इन केस आपका इन्वॉल्वमेंट है तो आपको 5 स्पेसिफाइड पैरामीटर्स पे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा टू द जीएसटीआईएन डिपार्टमेंट. ये डिपार्टमेंट के हाथ पे होगा कि अगर आपके ये 5 पैरामीटर्स बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है, तो आपको अप्रूवल मिलेगा बाय द अथॉरिटी. एंड इफ इन केस There they found कि आप इन 5 पैरामीटर्स पे खड़े नहीं उतरते हैं तो वो आपका GSTIN शट भी कर सकते हैं, नलिफाई भी कर सकते हैं, उसे बोगस डिक्लेयर कर सकते हैं. सो इन द टुडे सेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी क्विकेस्ट मोड कि 5 पैरामीटर्स किसी भी व्यापारी किसी भी दुकानदार को क्या ध्यान में रखना है जब ये स्पेशल ड्राइव GSTIN डिपार्टमेंट करने वाला है. मार्केट के अंदर GSTIN ऑफिसर्स आने वाले हैं, आपकी दुकानों पे, आपके बिजनेस ग्राउंड पे आपसे मिलने वाले हैं और कुछ 5 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए वो आपसे करेंगे एक स्पेसिफाइड बात. तो आपको 5 इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स पे खड़े रहने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए. नंबर 1 इज दैट कि अगर आप एक नॉर्मल कैटेगरी वाले टैक्स पेयर हो या फिर आप संविधान यानी कॉम्पोजिशन के अंदर रजिस्टर्ड हो तो दोनों ही केसेस में आपके बोर्ड पे फिजिकल बोर्ड पे उसका GSTIN होना मैंडेटरी है. ठीक है, आपके बिजनेस नेम के साथ जीएसटी का होना मैंडेटरी है. प्लस यहां पे एक स्टार मार्क आप नोट कर सकते हो कि अगर आप संविधान में रजिस्टर्ड हो यानी कॉम्पोजिशन कैटेगरी वाले टैक्स पेयर हो तो आपके जीएसटी नंबर के साथ साथ वहां पे एनक्रेव होना चाहिए कि भाई आई एम अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर एज वेल. दिस इज मैंडेटरी. अगर ऐसा एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर नहीं करेगा तो उस पर पीनल प्रोविजंस लगा सकता है डिपार्टमेंट, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई डिपार्टमेंट आपको कॉम्पोजिशन से उठा के नॉर्मल कैटेगरी में भी स्पेसिफाई कर सकता है. नंबर 2 जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप ध्यान रखें कि इन दिनों में एटलीस्ट आपके पास फिजिकली आपके शॉप एरिया के पास या आपके प्रीमाइसिस पे पास होना ही चाहिए. इनकेस यू आर हैविंग 1 प्रीमाइसिस इट शुड बी एफएक्स ऑन योर वॉल्स. या आपके पास एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी आपका रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट एफएक्स रखना इंपॉर्टेंट है. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपका विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए. दैट टू आपके पास सारे डिटेल्स अवेलेबल हों, योर परचेज रजिस्टर, योर सेल रजिस्टर, योर ईवे बिल्स के सारे पेपर्स अवेलेबल होने चाहिए. ठीक है, जिससे आप क्लियर कट स्पेसिफिकेशंस डिपार्टमेंट अगर मांगे या प्रॉपर ऑफिसर उस टाइम पे मांगे तो आप दे सके. चौथी इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर आप किसी भी प्रीमाइसिस में बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और वो अभी तक आपके आरसी के अंदर नहीं चढ़ा है या कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐसा है जो आपके आरसी में नहीं अपडेटेड है तो काइंडली उसे एज सून एज पॉसिबल अमेंड करा लें. पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां ध्यान रखनी है, हमें पता है कि ये स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ मंथ चल रहा है जब आपको अपने अप्रैल के महीने तक की रिटर्न्स फाइल होनी चाहिए. सो जब तक आपके पास प्रॉपर ऑफिसर आएगा तब तक आपके पास अप्रैल मंथ तक के सारे रिटर्न्स की फाइलिंग अप टू डेट हो, इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड एंड एफिशिएंट. तो आपको इन 5 बातों का ध्यान बेहद रखना है अगर आप एक व्यापारी हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका टर्नओवर एक अच्छी स्पेसिफिकेशंस को दे रहा है तो डिपार्टमेंट आप सभी से ये कंसर्न में बात कर सकता है आने वाले इस पीरियड में. सो इन चीजों का ध्यान आपको जरूर रखना है. सो स्टे कनेक्टेड गाइज विद कृदा लीगल स्टार फॉर लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स ऑन टू द ग्राउंड फॉर जीएसटी. थैंक यू सो मच.